कभी मिडिल ईस्ट का पेरिस कहे जाने वाले लेबनानी राजधानी बेरूत में आज लाशों का अंबार लगा है। हिजबुल्ला के गढ़ में इसराइल ने ऐसे सेंध मारी है कि चरमपंथी गुट की रीढ़ टूट गई है। इसराइल ने हिजबुल्ला की चीफ हसन नसरल्ला को उसी के मुख्यालय में मार गिराया जहां से वह इसराइल विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने एक बार फिर नेतन्याहू के कद को कई गुना बढ़ा दिया है। तो वहीं लेबनान में जमकर तबाही और खौफ का दौर देखने को मिल रहा है, जहां किसी भी वक्त इसराइल से भीषण बमबारी की दहशत में लोग जीने को मजबूर हैं। नसरल्ला की हत्या के बाद से लेबनान में गाजा जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों से लेबनान की इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। कई लोग मलबों के ढेर में फंसे हुए हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लेबनानी लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इसराइल के जोरदार हमलों से कई हिजबुल्ला लड़ाके ढेर हुए हैं। बता दें कि हिजबुल्ला का गढ़ माने जाने वाला लेबनान कुछ सालों पहले तक एक ईसाई देश हुआ करता था, जहां मुस्लिम आबादी 30% से भी कम थी। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। इतना ही नहीं, लेबनानी संसद में भी करीब 60% सीटें ईसाई नेताओं के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। इसके बाद लेबनान में बदलाव की ऐसी लहर चली कि ईसाई बहुल देश धीरे धीरे मुस्लिम आबादी से पड़ता चला गया। देखते ही देखते लेबनान एक इस्लामिक मुल्क कहलाने लगा, जहां मुस्लिम आबादी देश का प्रतिनिधित्व करने लगी। इसमें शिया, सुन्नी और इस्लाइली सब शामिल हैं। बताया जाता है कि 50 के दशक में लेबनान में 70% क्रिश्चियन थे। साल 1932 के बाद से लेबनान में जनगणना ही नहीं हो रही है। साल 1970 तक भी पूरे मिडिल ईस्ट में लेबनान अकेला देश था जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी में आता था। लेबनान की राजधानी बेरूत को पूर्व का पेरिस तक कहा जाता था। दरअसल बेरूत से अफ्रीका, एशिया और यूरोप व्यापार के जरिए जुड़ते थे। ऐसे में आर्थिक लिहाज से भी बेरूत काफी अहम हुआ करता था। इस शहर में यूरोप से टूरिस्ट आते थे। यहाँ की संस्कृति, सिनेमा और लोगों का रहने का तौर तरीके की गूंज दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन आज बेरूत की स्थिति बेहद खराब है। मौजूदा समय में अब ना तो कोई रहना चाहता है और ना ही कोई पर्यटक वहां जाने की हिम्मत जुटा पा रहा है। मिडिल ईस्ट के कई सारे मुस्लिम शरणार्थियों के लगातार लेबनान आने से देश में हालात बद से बदतर होते चले गए। समय के साथ साथ हालात इतने बिगड़े कि देश सिविल वॉर की आग में झुलस गया, जहां से ईसाई आबादी का पतन शुरू हो गया और मुस्लिम आबादी ने महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा शुरू किया। लेबनान अब कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का गढ़ बन चुका है। यहाँ देश आज भी ईसाई और यहूदी समुदाय के प्रति नफरत के लिए जाना जाता है। आज का लेबनान, जो पहले सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का केंद्र हुआ करता था, अब युद्ध और अशांति का प्रतीक बनकर रह गया है।